नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बता दूं कि निवाड़ी के क्षेत्र के अंदर विधानसभा के अंदर देखा जाए रमेश निरालाई जो कि पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और साथ साथ इनकी गतिविधियां देखा जाए प्रेजेंट के अंदर ये चुनाव के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इनका समस्या के निराकरण की मैं बता दूं, ये छोटे से ही उम्र से ही लोगों की मदद करना, आज जानते हैं कि समाज सेवा में निराला जी ने कब पहला कदम उठाया और आखिरकार लोगों के बीच में क्यों मैदान में आए, लोगों की क्यों मदद किया करते हैं, ये निराला जी जानते हैं। अगली आवाज निराला जी की होगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि समाज सेवी में आपने पहला कदम कब उठाया, लोगों के प्रति कब रुझान आया आपको? देखिए, बचपन से जब मैं पढ़ाई पढ़ रहा था जी, उस समय मैं देखा करता था कि बहुत लोग, सबसे ज्यादा तो किसान लोग बहुत परेशान जी, तहसील की अदालत के जाने कहाँ के चक्कर लगाते हैं, तो मैं उनकी समस्या को हल करने के लिए प्रयास करता था जी। और धीरे धीरे जब करता रहा, उनकी समस्याओं का कुछ निदान हुआ जी, तो मैं इस कदम को और आगे बढ़ाता चला गया। और आगे बढ़ाने के साथ में किसानों के साथ जो अशिक्षित थे उनको शिक्षित करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए और बहुत लोगों को, उनके गार्जियन को बहुत प्रेरणा दी कि बच्चों को जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे जब तक तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तुम इस देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकती हो। मजदूरों के लिए भी हमने बहुत काम किया कि उनको दैनिक मजदूरी कलेक्टर रेट से कोई कम ना मिले, ज़्यादा मिले। इसमें हमने बचपन से ही, जब से हो संभाला है तभी से प्रयास कर रहा हूँ कि इस समाज के दबे कुचले गरीब किसान लोग बहुत पिछड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का मैं पर हमेशा प्रयास करता हूँ, करता रहूँगा। वर्तमान में तो मैं राजनीति में आ चुका हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हूँ। राजनीति में आपने पहला कदम कब उठाया, कब से शुरुआत हुई राजनीति को लेकर? देखिए, राजनीति तो हर आदमी करता है जी, जो वोट डालता है वो भी राजनीतिक है और मैं राजनीति करता हूँ वो भी राजनीतिक है, ये कोई मुद्दा नहीं। हर इंसान जो वोट डालता है वो राजनीतिक है, लेकिन राजनीति से हटके समाज की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। राजनीति का सबसे बड़ा गुरु किसको मानते हो आप? देखिए, हमारा व्यक्तिगत गुरु में तो पंडित द्वारका प्रसाद दुबे जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और राजनीतिक गुरु मैं उन्हें मानता हूँ और मानता रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक। सबसे बड़ा सहयोग किसका मिलता है आपको? देखिए, जो हमारे साथी रहते हैं जी, 24 घंटे वो हमको ताकत देते हैं, उन साथियों का मुझे बहुत सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी कृपा मुझे परमपिता परमेश्वर राम राजा सरकार की रहती है, बब्बा महाराज की रहती है, जिससे मैं, मेरे अंदर ऊर्जा पैदा होती है ताकि मैं समाज सेवा, समाज के लोगों का काम अच्छे ढंग से कर सकूं। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद निवाड़ी।